नगर निगम के तमाम जो हमारे सिविल वर्क है वो किस प्रोग्रेस पे हैं और समय अवधि में पूरे हो रहे हैं क्या, इसको लेकर एक समीक्षात्मक बैठक आज रखी गई थी। और इसमें जैसे ई लाइब्रेरी का है वो जल्दी से शुरू हो, एक हमारा ऑडिटोरियम बनना है तो ऑडिटोरियम की डिज़ाइन और उसका स्थान चिन्हित करके उस पर भी काम हमारा जल्दी ही शुरू हो जाए। इसके साथ में ई चार्जिंग स्टेशंस की भी बात थी कि हमारे जो उनको भी कंप्लीट करना है। इसके साथ ही इस बार जो नाला सफाई के टेंडर है वो इसी महीने में फरवरी माह के अंदर ही हो जाएंगे और हमारा काम शुरू हो जाएगा। मार्च फर्स्ट वीक से हमारा काम शुरू हो जाएगा, तो उससे नाला सफाई अच्छी तरीके से हो पाए, कहीं भी जयपुर के अंदर बहाव का या फिर जहां बरसा का बारिश का पानी है वो इकट्ठा होता है, ये समस्याओं से निश्चित रूप से निजात मिलेगी और समय हमारे पास में चूँकि होगा और हम इसको जो क्योंकि ये नाला सफाई का सारे विकास कार्य ये निश्चित रूप से जनता के दिए हुए पैसों से टैक्स से ही हो रहा है, निगम उन्हीं के उससे काम अगर करवा रहा है तो जनता को भी जानना जरूरी होता है कि हमारे यहाँ कौन से नालों की सफाई हुई है और सफाई किस तरह से हुई है। तो हम बिफोर और आफ्टर के हम फोटोज़ भी हम डालेंगे ताकि अगर उसके बारे में अगर आम जन भी कोई कमेंट देना चाहें और सुझाव देना चाहें तो हम उसको भी हम सम्मिलित करेंगे। जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं वो पूर्ण हो गए हैं और अपूर्ण है तो उसका कारण भी जाना कि अपूर्ण होने का कारण क्या है, और जो विकास कार्य समय पर अगर पूर्ण नहीं हुआ है तो संबंधित जो काम नहीं करने वाले जो है उन पर भी कार्रवाई होगी। और साथ ही विकास कार्यों को गति और गति देने के लिए हमारी जो पूरी टीम है, हमारी सिविल विंग है, उन सबको भी एनर्जाइज भी किया गया है कि ये जैसे अमृतकाल देश का है उसी तरह ये नगर निगम ग्रेटर का ये भी अमृतकाल है और इस अमृतकाल में आप पॉजिटिविटी के साथ में आप काम करिए तो निश्चित रूप से ग्रेटर नगर निगम अच्छा पायदान पर काम करेगा। और उसका परिणाम ये है कि इस बार नाला सफाई का टेंडर जो है वो फरवरी माह में ही हो गया है और इसके साथ ही आप देखेंगे कि मार्च फर्स्ट वीक से नाला सफाई के काम शुरू हो जाएंगे। तो आप बारिश के एक महीना या दो महीना पहले हमने काम शुरू कर दिया तो अच्छे से नाला सफाई हो जाएंगे। और साथ ही हमने एक इसको इसकी फोटोग्राफी बिफोर और आफ्टर की फोटोग्राफी करके आम जन को भी हमारे नगर निगम की वेबसाइट, हमारे नगर निगम के जो भी सोशल मीडिया है उस पर भी हम लोग अपलोड करेंगे ताकि जनता को पता चले कि यहाँ ये वाला नाले की पहले स्थिति ये थी, इसके बाद में सुधार करके ये स्थिति लेकर आए हैं। उसमें अगर जनता के द्वारा कोई भी कमेंट अगर दिया जाता है कि अगर अच्छे से नहीं हुआ है या उसमें कोई और गुंजाइश रह गई है तो उसको भी हम पूरा करेंगे। और अच्छे से नाला अगर साफ होंगे, सारे ड्रेनेज है उनको रिपेयर होगा तो किसी तरह की दुर्घटना, क्योंकि बारिश में जब जल भराव होता है तो उसमें कोई भी दुर्घटना ना हो उसको सुनिश्चित की जाएगी। मैम डेडलाइन क्या रखी गई है, क्योंकि तय समय पर पहले आमतौर पर देखा नहीं जाता कि नाला सफाई पूरी हो पाती है, ऐसे में जो भी ठेकेदार है समय पर कोई जुर्माना लगाया जाएगा? देखिए आपने पहले ये भी नहीं देखा होगा कि फरवरी माह के अंदर टेंडर भी हो गए होंगे, इस बार फरवरी माह के अंदर टेंडर भी हो गए हैं और मार्च से शुरू भी हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से और एक एक नाला करके अच्छे से उसको पूरा क्लीन करना है और पूरा अच्छे से काम होना है। उसमें हमारी कमिश्नर भी निरीक्षण करेगी, मैं भी निरीक्षण के लिए निकलूंगी और जो काम अच्छे नहीं होंगे और जो गुणवत्तापूर्ण नहीं होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।